के बॉडी एरिया को भी ध्यान रखते हैं एंजॉय करने जा रहे हैं। और बेटर अगर तुमने ग्लव्स पहन लिए तो उसके बाद में रेसलिंग या ट्राई करो फ्लिक्स मारने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्क्रैमिंग। स्क्रैमिंग किस लिए कि प्रोटोकॉल या फिर मसल्स टाइट हमारी कहाँ की है उसके लिए हम कैसे ये वाली हमारी ग्रुप होगी ठीक है। इसी तरीके से ऐसा नहीं पकड़ेंगे जब हम स्क्रैमिंग करें तो ये जब ऐसे करेंगे तो कुछ एरिया ही आएगा जहाँ से ये बल्ज है उतना स्क्रैमिंग मारेगा तो वाइज आएगा नहीं। इसमें क्या है जो भी एरिया पर कर रहे हो पूरा पूरा। और ये वाला स्क्रैमिंग पैटर्न हर एक मसल्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, जो छोटी मसल्स है कहीं कहीं ये वाला मेथड यूज होगा। स्क्रैमिंग के लिए कभी भी 90 डिग्री नहीं रखे ना 45 डिग्री किया फिर मैं बैक करा तुम लोगों ने बताया ठीक है। ये रहा था 45 डिग्री उसके बाद में ये रहा था जहाँ टॉट होगा वहाँ क्या होगा कि एक जैसे ब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर दिखेगा ठीक है। तो यही है ये अरे के नीचे की साइड में है ये यहाँ पे है अब उधर की तरफ एक वर्ष कहीं पर ही करेंगे दोनों तरफ ये रिएलेक्शन लगेंगे करो इधर अप्लाई करो करो इसको अंदर करो उसे भी कर सकता हूँ। ये वाला चीज़ भी होता है ये बारिश के 45 लंबाई के मसल्स कौन कौन सी है कितने करते हैं अन्य भी करते हैं क्या करो ये पारी कौन सा है तुम्हारा मेथड सही है तुम्हें कुछ फील हो रहा है टॉट बैंड फील हुआ वहाँ कुछ हमें ऐसा थोड़े ना करना ये लिया ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है देख अभी अगर मैं प्रेशर दूंगा तो अंदर गिर जाएगा दिखवाए बल्ब से एकदम देखिए यहाँ ये पेन है ये रखा 45 डिग्री अंदर स्क्रीन ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा है कि कोई टॉट बैंड नहीं है सिर्फ और सिर्फ मसल्स का रेस्ट्रिक्शन आ रहा है मूवमेंट पूरा नहीं है देन बस स्क्रैनिंग करो 10 टाइम स्क्रैनिंग करनी है ये ठीक है। और ये नहीं कि हमसे फिर ऐसे लेके जाना है ये 45 डिग्री ठीक है स्क्रैनिंग होगी। अब मुझे पता लगा टॉट बैंड यहाँ पर अब टॉट बैंड में क्या करना है सेपरेट करना है उसे अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड करना है ठीक है। उसके लिए हम इससे सेपरेशन करेंगे सेकेंड मेथड इज सेपरेशन मेथड इज स्क्रैनिंग। तो अब ये क्वालिटी से हम कैसे मसल सर डीप है और ये लेग्स में डोर्सल इस तरीके से है ऐसे ही है ना ये इन डायरेक्शन में अब इसको हम क्या सेपरेट करेंगे ये अगर मैं ऐसे करूँगा तो फाइबर आएंगे अगर मैं ऐसे ये करूँगा तो बेटर जो भी टॉट बैंड होगा उसका परपेंडिकुलर ठीक है जो भी सॉरी मसल्स की डायरेक्शन है उसको परपेंडिकुलर तो जहाँ भी है उस पर रखना क्या सही है रखा इस वाले हाथ से कोई प्रेशर नहीं रहा सेकेंड हैंड से एल्बो स्ट्रेट एंड देन प्रेशर ये प्रेशर प्रेशर में खूब अच्छा खासा फील होगा ये भी 10 टाइम्स है प्रेशर ठीक है। अगर सिर्फ स्पासिटी है और मसल्स टाइट है तो सेपरेशन तुम पूरे एरिया पर करोगे जहाँ तक तुमने स्क्रैनिंग किया
5 सेकंड होल्ड 10 रिलैक्स, प्रेशर दूसरे वाले हाथ से 5 सेकंड होल्ड 10 रिलैक्स, 5 सेकंड होल्ड 10 रिलैक्स। अब सेपरेशन कर दिया, अब क्या करना है कि इस जो प्रोग्राम है उसको एक ही डायरेक्शन में लेकर आना, उसे क्या बोलते हैं स्क्रैमिंग। अब उसमें हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर रखा, 45 डिग्री पहले क्लॉकवाइज, सॉरी पहले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसके बाद प्रेशर के साथ में क्लॉकवाइज रखा 45 ले गए। रेडनेस आने के 100% चांस है, 90 डिग्री पर रखा 45, जो भी मसल्स कम करते हैं मसल्स का बल्ज, अगर मसल्स एरिया लार्ज है मसल्स बल्ज है तो उसके लिए पाँचों टाइम जो छोटी टाइम होंगे सारी अप्लाई करेंगे। टेंडन पे और बॉडी प्रॉब्लम के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सीरियक्स और स्कूटिंग यूज होंगे, ठीक है, मैं बताऊँगा कैसे करें। यह हो गया, इसके बाद हमारी वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन डिग्री, ठीक है, टूवर्ड्स टू थेरेपिस्ट, अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं अपने से आगे करूँगा, ठीक है, ले रहा था 45 डिग्री पे, ठीक है, इसमें कोई प्रेशर नहीं रखना, बस स्क्रीन डिफरेंस ले रहा था, इधर की स्क्रीन स्क्रीन अलग इधर की अलग, बस इतना प्रेशर और उसी के साथ में, ठीक है। बैक पे हैंड्स का पैलेट स्ट्रेट